तो गाइस चलो पार्ट 3 भी आ गया हमारा, मैं कैसे पेट सेलवर बना था। तो पिछली पार्ट में मैं पार्ट 2 में बोला था कि मैं कैसे बर्ड घर पे लेके आया था। उसके बाद मेरा शौक हुआ, बर्ड के बाद भी मेरा मतलब क्या बोलूँ, शौक नहीं मिटा। उसके बाद भी मैं लेके आया, लेके आने के लिए सोचा कि फीस रखूँगा भाई फीस। तो मैं ये बोल नहीं बोला था किसी भी पार्ट में कि मैं, मेरे पास फीस पहले से ही था, गिनी पिग खरीदने से भी पहले से ही मेरे पास फीस था। जब मैं गांव में रहता था तब भी फीस था, या से टाउन से मतलब मामा के घर से लेके गया था, मतलब या से खरीद के ही लेके गया था। तब मेरे पास एक बाउल था, फीस बाउल, उसमें रेड कैप, ऑरेंज रेड कैप, एक फीस था। तो वो मतलब क्या बोलूँ, 2021 21 के पहले 2020 में खरीदा था, 20 21 22 23 तक टिका मछली, अच्छे से रहा। उसके बाद 23 के 23 में ही, 23 का पहले जनवरी फरवरी मंथ में मर गया भाई, वो मर गया। और वहाँ पर मैं नहीं हूँ देखभाल के लिए, इसलिए मरा था। तो उसके बाद मम्मी पापा बोला कि यहाँ पर मछली भी नहीं मिलता, यहाँ पर गांव है, तो तू टब को मतलब बाउल को लेके चला जा, तू वहाँ पर रखना एक फीस। तो मैंने सोच लिया यही मौका है, तो मैं लेके चलाया वहाँ से, और एक बेटा पीस खरीद के भी लेके आया हूँ, लेकिन नहीं रखा। तब टब लेके आके धो रहा था, तभी टूट गया भाई टब, मतलब बाउल टूट गया। और किसी को बोलूँगा कि टब टूट गया, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताया, बताया था तो बोलते टूट गया छोड़ दो, रखने का ज़रूरत नहीं, मछली भी खरीदा नहीं, अब खरीदने का भी ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं किसी को नहीं बोला, धो के, और ऐसा टूटा था कि मतलब फट, एकदम चूर नहीं हो गया था, फट गया था। उसके बाद मैं उसको जैसे तैसे रख दिया, और नेक्स्ट दिन मैं फाइटर फिश मतलब बेटा फिश एक खरीद के लेके चला गया था। और आके हुआ पर सबके सामने मैं उसको रख रहा था पानी में, और जब भी फिश छोड़ने के बाद पानी ढाला तो एकदम बॉल टूट गया एकदम, सब चौंक गया क्या हुआ। तो तब तो और कुछ करने का नहीं था, फिश लेके चलाए वो जैसे तैसे रखना पड़ेगा। तो मैं एक जार था, ग्लास का ही जार था, उस जार में रखा कुछ दिन। उसके बाद घर के लोग को, मामा को और को मनाया बहुत, बोला कि इसको रखूँगा, बड़ा जगह चाहिए। और बेटा भी अगर आप लोग जानते हो तो वो बबल्स करते हैं, वो बबल्स में अंडे देने के लिए, फीमेल बेटा को लेके आने के बाद अंडे के देने के लिए बबल्स कर रहा था। मैंने उसको ऐसे समझाया कि इसको बड़े जगह पे रखना चाहिए, बबल्स कर रहा है मतलब इसका ब्रीडिंग का टाइम हो गया है, तो ये इसलिए बबल्स कर रहा है। तो बड़ा टब चाहिए, बड़ा एक्वेरियम चाहिए, और एक फीमेल बेटा भी चाहिए। तो मैंने बोला जैसे तैसे पैसा ले लिया, और एक 1.5 फीट का टैंक बनाने के लिए मैं दुकान पे एडवांस देके आ गया। हाँ मतलब कितना, तब 400 रुपये दे के चलाया, और 400 बाकी पे बाद में। उसके बाद घर में बोला कि मैंने बोल दिया, दे दिया 400 रुपये, और 400 बाद में लगेगा जब बन जाएगा। तो घर पे बोल दिया, तो मना तो नहीं कर सकते, एडवांस दे दिया हो तो बाद में वो भी दे दिया, एडवांस मेरे पैसे दे दिया था भाई। बाद में मैं 400 रुपये लिया था, 800 रुपये का पड़ा था, 1.5 फीट का, 1.5 फीट का नहीं, 2 फीट का था, हाँ 2 फीट का 800 रुपये लिया था, 4 mm का ग्लास का, हाँ लिया था। और उसके साथ साथ और भी मछली खरीदा था, बेटा का फीमेल नहीं मिला था, तो बेटा के साथ मैं, मुझे उतना पता नहीं था, तो मैं ऐसे एंजल एंजल फिश लेके आ गया था, वो सब रहता था। पहले तो एक्वेरियम खरीद लेते, उसके बाद तो उसके सामान भी चाहिए, फिल्टर, लाइट, ऑक्सीजन पंप, एयर पंप, वो सब चाहिए, तो मेरे पास नहीं था। हीटर तो वो भी खरीदना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे मैं किया था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर आप भी ये सब पालना चाहते हो, घर लोग मना करते हैं तो कर सकते हो, तो ये आइडिया यूज़ कर सकते हो। तो यही है पार्ट 3, और यही है लास्ट नहीं है, और भी मैं अब से लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, डेली लाइफ का स्टोरी बताऊँगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय क्या करूँ, और सब्सक्राइब कर देना, भूलने का चीज़ नहीं है। तो बाय बाय ब्रो।